जन्म का होगा। ये आज हम बना रहे हैं चना, तो ये मैं बॉईल कर रहा हूँ टमाटर। ये टमाटर बन रहा है, ठीक है। ये हमारा बॉईल किया हुआ चना है, ये देखें। और ये हैं हमारे मसाले, 1, 2, 3। उसमें थोड़ा सा ये मैं ज़ीरा वगैरह इसमें डालूँगा, तो बाद में अभी मिलते हैं। तो अभी ये देखें, ये टमाटर तकरीबन गल गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे, एक ये गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, और आ गया ये हो गया, मिर्च हो गई, और ये मिक्स मसाला हो गया, ठीक है। अभी इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा। पहले ये डाला था, ठीक है, टोमेटो पाउडर, फिर ये लाल मिर्च, और ये मिक्स मसाला है, ठीक है। हर चीज़ की मिक्सिंग है करी, और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा पक जाए ये इसमें डालेंगे। अभी ये मसाला तकरीबन तैयार हो गया। इसमें थोड़ा अभी गुंजाइश है सही, लेकिन इसमें अभी ये जार डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया साफ, इसको थोड़ा कर देते हैं मिक्स, ठीक है। और अभी टमाटर सही नहीं गला, लेकिन इसमें अभी थोड़ी देर में ये भी गल जाएगा। प्याज भी उसी तरह है, और ये भी है टमाटर भी, ठीक है। ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। इसको अभी बॉईल करते हैं। इसको हमने 5 पे फ्लेम लगाई हुई है, और ये देखें फ्लेम तो नहीं है, खैर हीटर है, ये देखें। हाँ जी, अभी देखें ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये और ये रह गए, बस ये थोड़ा गल जाए, उसके बाद बिस्मिल्लाह करते हैं। जी नाजरीन, उसमें पहले था उस बर्तन में, उस वाला मैंने इसमें डाल दिया, उसमें सही से मैंने इसको दम देकर पकाया। तो अभी देखें ये इसके हालात हैं, बहुत ज़बरदस्त बन गया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैं ये डालूँगा स्पिनिश ऑयल, ये तो शार नहीं है, ये स्पिनिश ऑयल है, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, ये डालूँगा तो फिर काम इसका VIP हो जाएगा, ठीक। VIP हो जाएगा। शॉर्ट ब्रेक। दाव गोरे मत। तो जी नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, और अभी हम इस बर्गर के साथ एक और काम करेंगे। इसकी पावर भी हम कम करेंगे, क्योंकि ऐसे कम से कम मैं नहीं खा सकता, तो ये मुझे बहुत ख़राब करते हैं। बहुत टेस्टी शॉपर में पैक होता है, और दिल ऊपर लगे हुए हैं, और ये होता भी कास्टली है, लेकिन इस तरह मैं नहीं खा सकता। इसको फिर मैं एक और तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, बहुत टेस्टी बन जाता है। आप भी इसको इस तरह यूज़ करें, और ये अगर आपका पेट का प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑयल गर्म उसमें बर्तन में ऑयल डालें, और नीचे से फ्लेम ऑन कर दें। फ्लेम नहीं तो हीटर है, ये कुछ भी है वो आप ऑन कर दें। मेरे पास हॉट प्लेट वाला है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था, तो ये ब्लैक हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल है इस टाइम, ये फ्राई पैन, तो इसी से गुजारा करेंगे। इसमें मैं ये शॉपर से निकाल कर ये डाल दिया, ठीक है। 2 पीस, मैं 4 पीस मिले थे, 2 मैंने दोस्त को दे दिए, 2 खुद रख लिए। तो अभी ये सुबह का नाश्ता मैं तैयार कर रहा हूँ, और ये देखें दूसरा भी रख दिया, और ये रखना उल्टा है, ये देखें ना, सबसे पहले उल्टा रखा जाता है, क्योंकि ये अगर सीधा रखेंगे तो ये नीचे से चूस जाएगा, ये देखें। तो इसको थोड़ा गरम करने के बाद इसको प्रेस करेंगे,
ये देखें, थोड़ी देर बाद इसको प्रेस करेंगे, हिलाते जाएंगे। अगर एक जगह पड़ा रहा है तो ये जल जाएगा, ठीक है। ये हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो बड़ा चम्मच इस टाइम अवेलेबल नहीं है, छोटा चम्मच है और चम्मच भी माशाल्लाह बहुत कमज़ोर सा है। ये देखें, जिस तरह आजकल के हमारे जवान कमज़ोर है ना, तो हवा आती है तो उड़ जाते हैं, शापरों की तरह उड़ते फिरते हैं। तो ये देखें, ये इसकी ये शक्ल होगी। अभी ये सीधा करके चम्मच से उसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये बारीक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आखिर में इसकी आप शेप देख लेना। 5-1 मिनट मैंने पकाया इसको। तो जी नाज़रीन, ये देखें क्या ज़बरदस्त बन गया है। ये अभी शक्ल इसकी देखें, पहले कैसा था और अभी कैसा है। ये मेरे साथ खाना है, ये चाय है और ये एक सेब पड़ा है। ये नीमको है जो मैंने ली थी, जो अभी तक मैंने नहीं खाई। तो देखें क्या ज़बरदस्त मेरा नाश्ता तैयार हो गया। तो जी नाज़रीन, ये मैंने चाय इससे पहले बनाई थी लेकिन इसकी वीडियो मुझे लगानी भूल गई, तो ये इधर ही मैंने चाय बनाई, ये दूध डाला, ठीक है। तो ये अभी इसका पीस मैं कट करके आगे लगा रहा हूँ क्योंकि भूल गया तो भूल गया, अभी क्या करें। उसमें ये थोड़ी सी चीनी मैंने डाल दी, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल के लिए रख दिया। इसमें मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि जब बंदा चाय पिए तो मज़े पी तो बने। और उसमें फिर ये चाय के ये टी पैक 2 डाल दिए, ठीक है, रेड लिप्टन वाले। आप इसमें दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका जो है ना लिप्टन की तरह का जो है ना टेस्ट होता है, रेड लेबल का और लिप्टन का सेम टेस्ट है। तो ये इस तरह मैंने रख दिया, इसमें थोड़ी देर के लिए ये बॉयल होने के लिए रख दिया, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितने भी टाइम लगता है। बहरहाल ये था मिल्क फुल क्रीम वाला यूनिकाई का, ठीक है, हलीब कामिल दसम फुल क्रीम। तो ये अभी 1-2 मिनट में बॉयल हो जाएगा। ये देखें धुआं निकलने शुरू हो गया है और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं कि 5-5, 10-10 मिनट उसको रखते हैं भाई ये पक जाए, इधर पकने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी ऐसे तैयार हो जाता है। तो अभी नाज़रीन ये देखें, ये अभी हमारी चाय तैयार होगी, इसमें अभी डालेंगे। तो ये पीस जो मैंने लगाना था, ये पहले लगाना था तो ये मैंने बाद में लगा लिया, तो इसके लिए माजरत। लेकिन आपको चाय बनाने का बेहतरीन तरीका मैंने बता दिया है, अभी जिस जिसको चाय बनानी नहीं होती वो आराम से बना लेगा। चलो नाश्ते के बाद मैं थोड़ा बाहर गया था, और उधर बाहर देखा तो ये गाड़ी के ऊपर, ये देखे ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रात को आई ना, तो ये देखें जो पानी गिरा रात को, शबनम, ठीक है, और इसको सराइकी में त्रेड़ बोलते हैं, त्रेड़, ये गिरी, ठीक है। ये देखें ये गाड़ी के ऊपर, ये देखें हाथ भी गंदा हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी पड़ी थी, और ये देखें उंगली पे, तो ये शीशा देखें, ये मैं बिल्ली बना रहा हूँ, बिल्ली की तो मुझे समझ नहीं कैसे कैसे बनती है, एक हाथ से ऐसी बिल्ली बननी थी, इसी को एक्सेप्ट करने पड़ेगा। तो आज के व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, बिल्ली आप देखकर खुश हो जाना, डांस करना थोड़ा सा। तो सी यू लेटर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरक।